नमस्कार भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभियों। तो गाइस, आप सबका स्वागत है पोकर फायर एस ऑरेंज आइलैंड के एक और एपिसोड में, जहां पे आज हम करेंगे द मैन बैटल ऑफ ऑरेंज आइलैंड्स। जी हां गाइस, आज हम लड़ेंगे द चैम्पियन ड्रैक से, बट उससे पहले हमें अपना फोर्थ बैच भी जीतना होगा। ये मैं कौन से एस्कोर भी आइलैंड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ ओके ब्लास्टोइस खड़ा है उस साइड, मेरे को जाना चाहिए उस साइड। अरे ये बंदा खड़ा हुआ है, कैप्टन एडन, मेरा एक वाटर डॉल मिसिंग है, उसने एक किलो स्कार्फ पहन रखा है। अरे यार, मेरे को लगा था मैं डायरेक्ट जिम जाऊंगा, बट अब ये वाला इवेंट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं गाइस, मैं कर पास तो गाइस बहुत सारे वाटर डॉल और ब्लास्टोइस है, मैं रिपेल इस्तेमाल कर लेता हूँ, सुपर रिपेल। लेट्स गो, मेरे को बैटल नहीं करना भाई, मैंने कर लिया बट करना ही पड़ा। पोकेमोन, मेरा मैन एम ये है कि स्नोरलैक्स, पिकाचू, चारिजार्ड, इन दोनों को लेवल अप कर दूँ। मेरा प्यार चखे, देखो मैंने चख लिया, कुछ भी अच्छा नहीं था गाइस, इसे भी हरा दिया। ये ट्रेसी यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो इससे लड़ेंगे हम, डोंट वरी। ओ एस, तुम इस फॉरेस्ट में, ये बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है, तो अच्छी बात है गाइस, चलो एक अच्छा बैटल लड़ना क्या मिलेगा मेरे को। एक वेनोनट, मेरे पिकाचू, यार मेरा पिकाचू सबसे आगे है, चारिजार्ड होना चाहिए था या फिर स्नोलैक्स होता वो भी हरा देता, बट थोड़ी मुश्किल होगी पिकाचू के लिए ये बैटल जीतना। अरे स्लीप पाउडर नहीं यार गाइस, स्नोरलैक्स सही रहेगा, मैंने उससे ज़्यादा ट्रेन भी नहीं किया। और मैंने गाइस, हाँ मैंने बताना भूल गया कि मैंने उसे रिप्लेस कर दिया है ब्लास्टोइस से नहीं, बल्बसॉर से। अरे अभी भी ट्रेसी का साइथर बाकी रह गया है यार। और गाइस, सब टाइम आ ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट हम नज़दीक आ ही गए कि हमें स्कॉटल को भी छोड़ना पड़ेगा, लेप्रस को भी छोड़ना पड़ेगा, टॉरस को भी, मतलब टॉरस तो बाद में वापस भी आएगा क्योंकि जोटो जर्नी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद तो नहीं, हम ड्रैक को हरा दे उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी ऑरेंज आइलैंड से ख़त्म हुई जर्नी, जो स्टार्ट होगी जोटो रीजन में। और फिर मेरे को फिर से नए पोकेमोन पकड़ने होंगे, तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जोटो रीजन के लिए गाइस, क्योंकि मैंने जोटो रीजन वाले गेम्स ज़्यादा खेले नहीं है कभी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो हरा दिया, ट्रेसी को हमने हरा दिया। रात को मेरी सर्दी थोड़ी बढ़ जाती है गाइस। ओह तो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरे को चारिजार्ड को थोड़ा हील करना है, क्या पता इसके अंदर कोई तगड़ा ट्रेनर खड़ा हो। अरे नहीं टीम रॉकेट, तुम फिर से आ गए हमारे प्लान्स को बेकार बर्बाद करने, ये वाटर टल हमारा है, हम इसे हमारे बॉस को देंगे, बट ये वाटर तो अभी तो मेरा है गाइस, क्योंकि मेरे को जाना है नेक्स्ट आइलैंड, तो मेरे को वाटर टल चाहिए ही चाहिए, तो मेरे को जल्दी से इन्हें हराना होगा। गाइस चलो ड्रैक को हराएंगे, उसके बाद हमारी गाइस एक स्पेशल राइवलरी का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, गैरी वर्सेस एस। गैरी ने हमें बहुत ही बेइज्जत किया है, बट हमारा चैप्टर 1 था, मतलब मेरे हिसाब से वो चैप्टर 1 था गैरी वर्सेस एस का। और अब जोटो रीजन में चैप्टर 2 स्टार्ट होगा गैरी वर्सेस एस, जहाँ पे हमें बैटल करने को मिलेगा। सो लेट्स गो गाइस, मैं जल्दी से ये ऑरेंज आइलैंड को ख़त्म करना चाहता हूँ।
वैसे मैं ट्रैक से लड़ना भी चाहता हूँ वैसे तो, क्योंकि मेरे को नॉर्मल पोकेमोन मतलब उसके पोकेमोन के टाइप्स सभी टाइप्स के पोकेमोन है उसके पास, तो मज़ा आएगा गाइस। क्योंकि ज़्यादातर जिम बैटल्स में क्या होता है कि सभी जिम बैटल में जिम लीडर के टाइप पोकेमोन्स के टाइप सेम होते हैं, मतलब ग्राउंड जिम है तो ग्राउंड टाइप पोकेमोन ही मिलेंगे, तो वहाँ पे कोई अच्छा चैलेंज नहीं होता, बट यहाँ पे एक अच्छा चैलेंज होगा हमारे लिए। मैंने वो थर्ड जिम में बताया था गाइस आपको कि उसने हमें अच्छी अच्छी टक्कर दी, उसका नाम क्या था वो थर्ड जिम ऑरेंज आइलैंड का, मेरे को नाम नहीं याद, बट उसके पोकेमोन का कोई टाइप फिक्स नहीं था, उस वजह से मेरे को मज़ा आ गया था उससे लड़ने में। कमकोआट यहाँ पे होगा गाइस, एक बहुत ही तगड़ा बैटल ये है। एक मिनट, ये कौन है, मेरे को लगा मिस्टी है यार ये। तो ये आइलैंड की जो जिम लीडर है गाइस वो ऑरेंज आइलैंड की सबसे पावरफुल जिम लीडर है, और मैं जाने जा रहा हूँ उससे बैटल करने। तुम्हारा स्वागत है ऑरेंज आइलैंड्स के सबसे पावरफुल जिम लीडर के सामने। मैं डबल बैटल इस्तेमाल करती हूँ, हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। मैं स्नोरलैक्स और चारिजर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऐसे मैं पिकाचू कर लेता बट चलता है कि उसके पास मैरोवैक है इस वजह से, और दूसरा एक स्नोरलैक्स का एडवांटेज ये है कि उसके दोस्त उसके HP पूरे 200 है, तो मेरे पास थोड़ा ज़्यादा चांस रहेगा उनको हराने में। मैंने दो नए मूव सिखा दिए गए स्नोरलैक्स को TM की मदद से, आइस बीम एंड रॉक स्लाइड, और इसका रीज़न गाइस आपको थोड़ी देर बाद में पता चल ही जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, आइस बीम और रॉक स्लाइड सिखाया। ओ नो, हाइपर बीम भाई, ख़त्म मत कर देना यार मेरे को। अरे ये दोनों ही स्नोलैक्स पे ही अटैक कर रहे हैं। आइस बीम ख़त्म भाई, ख़त्म है तेरा काम, ख़त्म है। सुपर इफेक्टिव मूव था वो तो। वो से रिचार्ज करना होगा एलेकजाम को, तो फ्लैम थ्रोवर, चलो ख़त्म करते हैं सब। अरे बच गया, बट कोई बात नहीं गाइस, आइस बीम से ख़त्म। अरे आइस बीम से भी नहीं हुआ यार, चलो मेगा की फ्लैम थ्रोवर कुछ तो तगड़ा होगा मेरे पास। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, बट हमने हरा दिया है जिम लीडर को। तो गाइस अब हम कंप्लीट कर सकते हैं ऑरेंज आइलैंड जर्नी को, और हमारी लड़ाई होने वाली है अब ऑरेंज आइलैंड चैम्पियन ड्रैक से। जेड स्टार बैच, चलो गाइस अच्छी बात है, जेड स्टार बैच आ गया है हमारे पास। मैंने अभी अभी खाना खाया है गाइस, मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, और मैंने खाना खा के ही डायरेक्ट साइकिल चला के जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग किया है ये। तो लेट्स गो गाइस, अब हमें जाना है पोमेलो आइलैंड, मेरे को जाना है जल्दी से पोमेलो। पोमेलो ये बैटल करेगा क्या, ये दादी करेगी बट कोई, अरे नहीं किया इसने तो। मैं मूव सिखा सकती हूँ, मेरे पास स्पेशल एंड पावरफुल मूव है, एक ग्रास टाइप, वाटर टाइप एंड फायर टाइप है, हाइड्रो कैनन सिखा देते हैं। अरे कोई नहीं सीख सकता यार, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए ग्रास टाइप मूव, स्नोरलैक्स भी नहीं सीख सकता, ब्लास्ट बंद सीखेगा कोई, हाँ चारिज़ार्ड है मेरे पास। मैंने एक नया मूव सिखाया था गाइस चारिज़ार्ड को, वो था फायर स्पिन, बट मैं डिलीट कर दूंगा अभी। सो लेट्स गो, नहीं अब कोई और मूव नहीं सीखना मेरे को यार, इसने में चलो अच्छा उसने हमें विश किया। क्या तुम ट्रैक से लड़ने वाले हो? हाँ बच्चे मैं ट्रैक से लड़ने वाला हूँ। अरे नहीं यार मिस्ट्री नहीं यार, तू अभी मेरे को बैटल नहीं चाहिए यार गाइस, मैं स्कीप कर दिया बैटल को मेरे, मतलब मेरा कितना अच्छा मूड था गाइस ट्रैक से लड़ने के लिए, बट इसने सब कुछ बेकार कर दिया। सो गाइस अभी मेरे को रजिस्टर करना बाकी है, मैं जल्दी से रजिस्टर कर देता हूँ। क्या तुम्हें रजिस्टर करना है? मुझे सारे बैचेस चेक करने होंगे। ओ तुम तो क्वालिफाई हो, तुम चाहो तब हम बैटल कर सकते हैं। अरे ये बच्चा चोर रुकता क्यों नहीं है यार, इस साइड आइए। मैंने पिकाचू को आगे रखा है गाइस,
सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक बैटल के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त मैं तैयार ही हूँ, देखो चलो जल्दी से, मेरे को एक ही मुंह में ख़त्म करना होगा मैच वरना मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। ये थंडर बोल्ट भाई कर दे थंडर बोल्ट कर दे यार। चलो क्विक अटैक, अरे अच्छा हुआ क्विक अटैक इस्तेमाल किया, अब थंडर बोल्ट से काम हो जाएगा। मैंने अपने पोकेमॉन्स को कुछ आइटम दे रखे गाइस, जैसे कि पिकाचू को मैंने दिया है लेफ्ट ओवर। सो अब आएगा शायद ऑनिक्स, वैसे मेरे को पता ही है उसके पास ऑनिक्स है तो ऑनिक्स ही भेजेगा, तो मैं इस्तेमाल करूँगा स्क्वार्टल या फिर लेप्रस। वैसे मैं स्नोलैक्स को भी कर सकता हूँ क्योंकि उसके पास अर्थक्वेक नहीं, चारिजर के पास अर्थक्वेक है, स्नोलैक्स के पास तो आइस बीम है, बट स्क्वार्टल अच्छा रहेगा, उसके पास हाइड्रो पंप है बट लेवल गैप बहुत ज़्यादा है। बाइंड, अब मैं पोकेमॉन स्विच आउट नहीं कर सकता यार। चलो हाइड्रो पंप बहुत ही पावरफुल मूव, ख़त्म कर देगा क्या एक मूव में ये? अरे वाह स्क्वार्टल गुड जॉब, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रखा था। इलेक्ट्रा बज, मेरे को रिस्क लेना होगा इस चारिजर्ड को इस्तेमाल करके। वैसे स्नोलैक्स के पास रॉक स्लाइड है बट वो मिस हो सकता है गाइस, स्नोलैक्स का मेरे को चारिजर्ड इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे मेरे को एक रिस्क तो लेना ही होगा वरना मैं ये चैम्पियन नहीं बन पाऊँगा यहाँ। अर्थक्वेक भाई, अरे ये हार मत जाना चारिजर्ड बहुत ही अच्छा। अर्थक्वेक ख़त्म है भाई, ख़त्म ही है। अरे अब मैं स्विच आउट करूँगा गाइस क्योंकि एक और थंडर बोल्ट लग गया तो चारिजर्ड नहीं बचेगा। अब तो मैं बॉडी स्लैम से भी हरा दूंगा इसे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे जीतना। उसने डैमेज अच्छा दिया गाइस इलेक्ट्राबज ने, देखो। अगर मुझे ऑरेंज आइलैंड में चैम्पियन बनना है गाइस तो ड्रैगनाइट को हराऊँ ना तब तक चारिजर्ड और स्नोलैक्स का मुकाबले में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्रैगनाइट आ चुका है तो मैंने टॉरस इस्तेमाल किया जिससे मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से चारिजर्ड और स्नोलैक्स को हील कर दूँ। पहले मैं स्नोलैक्स को करूँगा गाइस क्योंकि मैंने बोला था कि रॉक स्लाइड और आइस बीम मैंने एक खास काम के लिए रखे हैं, क्योंकि गाइस रॉक स्लाइड एक रॉक मूव है और आइस बीम तो आइस टाइप है और ये दोनों ही टाइप ड्रैगनाइट के सामने बहुत पावरफुल होते हैं। सो लेट्स गो गाइस, अब मैं इस्तेमाल करूँगा स्नोलैक्स को। आइस बीम का इफेक्ट देखते हैं गाइस, उसने भी आइस बीम किया भाई, फ्रोजन मत हो जाना अभी सिर्फ। चलो इतना इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि वैसे सुपर इफेक्टिव था बट लेवल गैप बहुत ज़्यादा है, वो 60 का है पूरा। अब मैं बॉडी स्लैम इस्तेमाल करूँगा, बस मैं फ्रोजन ना हो जाऊँ। अरे वाह चलो ड्रैगन, अरे 9000 पॉइंट गाइस आपने देखा, 9000 पॉइंट्स मतलब यार 9000 पॉइंट कुछ मजाक थोड़ी है। आइस बीम से मैं हरा सकता हूँ वेनासोर को, डबल एज यार। अरे उतना डैमेज नहीं हुआ, लेवल गैप बहुत ज़्यादा है यार, मेरे को चारिजर्ड इस्तेमाल करना होगा। चारिजर्ड, अभी मैं लेप्रस को इस्तेमाल नहीं करना चाहता गाइस, लेप्रस को मैं कर सकता था बट नहीं किया मैंने। चलो हरा दिया है हमने इसे को भी। अब कितने पोकेमॉन बाकी रहे गाइस आपने गिने क्या? शायद ये आखिरी है, आई होप ये आखिरी हो गाइस। गेंगार को हराना भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई पावरफुल ज़्यादा पावरफुल मूव है नहीं मेरे पास कुछ। अरे चारिजर्ड हरा गया,
स्नोलैक्स भी हार चुका है मेरा गाइस, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पिकाचू प्लीज़ यार थोड़ा सा डैमेज दे दे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, 50 SP तो कट कर ही दे भाई, बच जाना बच। अरे नहीं यार गाइस, मुकाबला टर्न होता हुआ यहाँ पे। ओह नो गाइस, मेरे को, मैं पैरिसोंग इस्तेमाल करूँगा। इसी दिन के लिए मेरे को लैप्रस, मैंने लैप्रस को रखा था कि मैं ड्रैग के आखिरी पोकेमोन पे पैरिसोंग इस्तेमाल कर लूँ। चलो अच्छी बात है, अब मैं आराम से रिवाइव करूँगा गाइस। मेरे को पता है मैं जीत चुका हूँ वैसे भी, बस मेरे को तीन मूव तक डिफेंड करना है अपने आप को। अब मैं 4.5 स्नोलैक्स को रिवाइव कर देता हूँ। वैसे स्क्वाडर के पास डार्क टाइप मूव है बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो अच्छी बात है, लैप्रस नहीं बच पाएगा, कोई बात नहीं। चलो हम जीत ही चुके गाइस ऑलमोस्ट। मेरे को लग रहा था गाइस कि मुकाबला ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, बट गेंगार ने पूरा मैच पलट के रख दिया। उतना तो ड्रैगनाइट ने नहीं किया, ड्रैगनाइट ने मुझे को उतना ज़्यादा नहीं डराया जितना गेंगार ने डराया है मेरे को। लैप्रस नहीं होती तो गाइस बहुत मुश्किल होने वाला था, वैसे तो मैं रिवाइव करके हरा देता। तो बाबा आई गेंगार एंड आई एम द चैम्पियन चैम्पियन। और गाइस एस कैचम ने अपना फर्स्ट लीग जीत लिया है, द ऑरेंज आइलैंड चैम्पियन। मैं बहुत टाइम से नहीं हारा था बट मुझे तुमसे हार के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और तुम अब एक ऑरेंज और आइलैंड चैम्पियन हो। तुमने ड्रैग को हराया है, तुम्हें प्रोफेसर ऑक के पास जाना चाहिए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलना। और गाइस मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि मैं पोकेमोन सन में एक प्रॉब्लम आ गया है गाइस। मैंने सब कुछ कर दिया बट जब मैं उस गेम को स्टार्ट करता हूँ और तब वो अच्छी चलती है, बट जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ तब वो गाइस गेम पूरी बर्बाद हो जाती है। मतलब क्या होता है वो ब्लिंक ब्लिंक होता रहता है, इस वजह से मैं वो स्टार्ट नहीं करूँगा। तो गाइस आई होप आप समझो। तो बाय, कल मिलते हैं, मतलब आज ही मिलेंगे। बाय।